हेलो एवरीवन, अगेन आई हैव कम विथ सम इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो लेट डिस्कस द फर्स्ट वन इज अ प्लेस वेयर ट्रीटमेंट ऑफ इनवैलिड और सिक. Let's discuss a place of treatment of invalid who seeks long period of treatment or rest. एक ऐसा जगह जहाँ पर वैसे पेशेंट को रखा जाता है जो लंबे समय तक एक लॉन्ग टाइम के लिए वो अंडर ट्रीटमेंट रहने वाले हैं, जिन्हें एक लंबे रेस्ट की ज़रूरत है. ठीक है, फिर से मैं एक और पढ़ता हूँ सेंटेंस को, ध्यान से देखिएगा. A place where of treatment of invalids who seek long period of treatment or रेस्ट. इट मीन्स कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पेशेंट जो बहुत लंबे समय के लिए अंडर ट्रीटमेंट रहने वाला है. अगर एग्जांपल में हम समझें तो अभी फॉर एग्जांपल में कोरोना आउटब्रेक में पेशेंट जो हैं 14 डेज़ के अंडर ट्रीटमेंट में रह रहे हैं. इसके अलावा जो पर्सन कोरोना से इन्फेक्टेड है उन्हें लॉन्ग रेस्ट की ज़रूरत भी है. या मैं भी कह सकते हैं जो भी पेशेंट कोमा में चले जाते हैं उनके लिए भी एक ऐसा रूम चाहिए होता है जिनमें वो लॉन्ग टाइम तक के लिए वो क्या करे, रेस्ट करे. तो उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, सैनाटोरियम. याद रहेगा आपको. चलिए नेक्स्ट, दूसरा देखते हैं. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इट मीन्स जहाँ पे हम लोग कॉइन्स का स्टडी करें. कॉइन्स का स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, कॉइन्स के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स. ये दोनों ऐसा स्टेटमेंट है जो हर एक बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा ही जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं. दूसरा देखिएगा, अ डिजीज स्प्रेड क्विकली अमंग मेनी पीपल. क्या कह रहा है, अ डिजीज स्प्रेड क्विकली अमंग मेनी पीपल इन द सेम प्लेस. एक ऐसी बीमारी जो एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों के बीच में क्या हो, फैल रहा हो या फैला हो. ठीक है, एक ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों के बीच में एक ही जगह पे सेम प्लेस पे फैला हो, बड़े पैमाने पर उसका आउटब्रेक हो रहा, उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं. यहाँ पे एक बात और हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे. हम आपको बता दें कि अभी हमने पैंडेमिक न्यूज़ में सुना था कोरोना को लेकर के. पैंडेमिक वैसे डिजीज़ को कहते हैं जो नोबेल होता, जो कह सकते हैं इंटर स्टेट होता है, मतलब वो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में फैलता है. तो पैंडेमिक का मतलब कि ट्रांसमिशन जो होगा वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच के लोगों के बीच में होगा. ठीक है, एपिडेमिक वहाँ पर यूज करना है जहाँ पे इंटर ट्रांसमिशन जो है वो दो कंट्री के लोगों के बीच में नहीं, बस सेम कंट्री में एक ही जगह पर रहने वाले लोगों के बीच में होगा. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पे हम लोग देखते हैं. फोर्थ में देखिएगा, पर्सन विथ अनयूजुअल और एबनॉर्मल बिहेवियर. एक ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर क्या हो, एबनॉर्मल हो, दूसरों से अलग हो, जिसका बिहेवियर हम कह सकते हैं हमसे मैच ना करता हो, उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा हमारे से क्या होगी, अलग होगी. तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, इसेंट्रिक कहते हैं, जिनकी हरकतें आम आदमी से क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है. ठीक है, एक और फिर से हम दोनों को रिपीट करने वाले हैं. थ्री और फोर को देखिएगा ज़रा. एक ऐसी बीमारी जो एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों के बीच में फैली, इसे एपिडेमिक मैंने कहा. इसके अलावा ए पर्सन विद अनयूजुअल और एबनॉर्मल बिहेवियर, जिसकी बिहेवियर क्या हो, हम लोगों से क्या, आम आदमी से क्या हो, डिफरेंट हो, उसे क्या कहते हैं, इसेंट्रिक कहते हैं. नेक्स्ट दूसरे स्लाइड में हम लोग आते हैं. देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, ए पर्सन हु इज़ कैपेबल ऑफ़ यूजिंग बोथ हैंड्स टुगेदर. ए पर्सन हु इज़ कैपेबल ऑफ़ यूजिंग बोथ हैंड्स टुगेदर, यहाँ पर समझिएगा, एक ऐसा आदमी जो दोनों हाथ को एक ही टाइम में, सेम टाइम में वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है. इट मीन्स आप कह सकते हो उसका जो काम करने का तरीका होगा, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं वो स्पीड के साथ किसी काम को परफॉर्म कर पाएगा, मतलब कि वो हर एक काम को काफ़ी फास्ट वो परफॉर्म करता है. तो एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों का एक ही टाइम में यूज कर सकता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिडेक्स्ट्रस. याद रहेगा. नेक्स्ट सिक्स में देखते हैं, स्टडी ऑफ लैंड को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ लैंड मैनेजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक ऐसा मैनेजमेंट, एक ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लैंड के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, हम कह सकते हैं इसमें हम लोग कह सकते हैं जो भी लोग फार्मर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है, इसके अलावा फील्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी पर्सन या जो भी स्टूडेंट लैंड मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उस स्टडी को हम लोग एग्रोनॉमिक्स कहते हैं.
और उनके पास ये नॉलेज होता है हर एक चीज़ों का, जो कह सकते हैं इरीगेशन से रिलेटेड हो, फार्मिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, याद रहेगा ये। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेमोग्राफिक डिवाइडेंट की बात कर रहे हैं। डेमोग्राफिक डिवाइडेंट क्या होता है, जिसमें हम लोग पर्सन के डेथ और बर्थ के बीच में, जैसे हम कॉन्सेंसस की बात करते हैं जो हर एक 10 साल पे होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में हम कह दें पिछले जो कॉन्सेंसस रहा हमारा, ठीक है, पिछले जो सेंसस जो रहा उसमें हम कह रहे हैं आपको कि हमारे देश की आबादी इतनी थी, सेक्स मेल का रेशियो इतना था फीमेल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं, जिसको डेमोग्राफिक डिवाइडेंट आपने पढ़ना भी है, आप पढ़ोगे भी इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट लिव्ड और फ्लेटिंग को क्या कहते हैं, जो कुछ समय के लिए होगा, जो कुछ समय के लिए आया होगा, जो कुछ समय के बाद चला जाने वाला है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इफेमेरल, ठीक है, याद रहेगा। जो कुछ समय के लिए मतलब एकदम क्षणिक कह सकते हैं टाइम, मतलब एकदम गैप नहीं होगा उसके आने और जाने के बीच में, जो कुछ समय के लिए आए। फॉर एग्जांपल में हम कह सकते हैं हम इसको कंपेयर कर रहे हैं अर्थक्यूब के साथ, जो कुछ सेकंड के लिए आता है और कुछ समय के बाद वो चला जाता है, ठीक है, तो इफेमेरल इसे कहते हैं, याद रहेगा ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे कह रहा है टू एग्जामिन वंस ओन थॉट, टू एग्जामिन वंस ओन थॉट और फीलिंग्स, यहाँ पे समझिएगा एक ऐसा पर्सन जो दूसरे के फीलिंग्स के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है, जो आपके माइंड में क्या चल रहा है वो इसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, उसे वो जानने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्ट, टू फाइंड द थॉट ऑफ समवन्स माइंड, व्हाट ही और सी इज थिंकिंग राइट नाउ, ठीक है, ये याद रहेगा। तो इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब किसी के मन की बात को पता करना, ठीक है। नेक्स्ट 10 में हम लोग देखते हैं अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर किप्ट, एक ऐसा जगह जहाँ पे यंग प्लांट्स को रखते हैं उसे क्या कहते हैं, नर्सरी। हम कहते हैं जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होते हैं वहाँ पे एक नर्सरी ज़रूर होता है। नर्सरी का मतलब एग्रीकल्चर स्टूडेंट, जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सारे नर्सरी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो नर्सरी क्या होता है, एक कलेक्शन होता है यंग प्लांट्स का, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, वहाँ हम जाकर पढ़ सकते हैं या चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 11th में हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ पोएम और अ प्ले, किसी भी कहानी या किसी भी पोएम का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जो हम कह सकते हैं एक हेडलाइन होता है, जिसको पढ़कर आपको मालूम चलेगा कि इस पोएम में, इस प्ले में क्या दिखाया जाना है, क्या हमें ऑब्जर्व किया, क्या नोटिस करना है, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोलोग कहते हैं। प्रोलोग का मतलब क्या होगा, किसी भी पोएम का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में। थैंक यू वेरी मच।